दोस्तों, कोलकाता रेप केस में डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी और अस्पताल में उसको छोड़ दिया था, और संजय रॉय उसका हत्यारा है और उसको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, और सीबीआई उसकी जांच कर रही है कि कैसे कैसे ये कांड हुआ और क्या क्या इसके साथ हुआ। तो दोस्तों, इसी बात के ऊपर आज हम आप लोग को सब कुछ खुल्लम खुल्ला बताएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था और आखिर उस बंदे ने ऐसा क्यों किया। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सीबीआई के अकॉर्डिंग एक जांच आई है और जांच में पता चला है कि संजय रॉय बिल्कुल बेकसूर है और उसे ऐसे ऐसे रोग थे, इसी वजह से उसने ऐसे लोगों को टारगेट किया। तो आज की वीडियो इसी साल के ऊपर, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 साल की डॉक्टर का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर का रेप कर उसकी हत्या करने के बाद उसको वहीं पर छोड़ दिया गया और रेपिस्ट वहां से फरार हो गया, जिसका नाम था संजय रॉय। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोप में संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। बीते दिन ही संजय का एक टेस्ट किया गया है, जिसमें उसके मोबाइल में से और उसके शरीर के अंदर से कुछ ऐसे तत्व मिले हैं, ऐसे मतलब टेस्ट करने के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आए हैं जिससे कि पता चलता है कि संजय रॉय बिल्कुल बेकसूर है और उसको बहुत सारी बीमारी थी, इस वजह से उसने ये कांड किए हैं। तो दोस्तों, क्या थे वे बीमारी या फिर क्या थे उसके मोबाइल में जो पाए गए, वो चलिए जानते हैं आगे। तो दोस्तों, बीते दिन ही संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जिसमें उनसे घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। इस बीच में संजय रॉय के मोबाइल से कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो उसकी बीमारी और मानसिकता को दर्शाती हैं। संजय रॉय के मोबाइल से बहुत सारे पोर्न वीडियोस मिले हैं, ये कोई सामान्य पोर्न वीडियोस नहीं है बल्कि इंसेस्ट पोर्न वीडियो हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों को यौन गतिविधियों से लिप्त देखा जा सकता है। यह एक तरह से संजय की बीमारी मानसिकता को दर्शाता है कि संजय बेकसूर है, और मोबाइल में बरामद ऐसे वीडियोस को देखना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि एक उसकी आदत बन चुकी थी और उसी के अकॉर्डिंग उसने फिजिकल करना चाहा। इसी वजह से सीबीआई की टीम ने संजय रॉय को साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करवाया है, और जिसके मुताबिक ये पता चल चुका है कि संजय रॉय एक बीमार है और उसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, और जब तक वह ठीक नहीं हो जाता तब तक उसकी जांच चलती रहेगी और तरह तरह के उस पर निकलते रहेंगे सवाल। जो भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं फालतू की कि संजय रॉय को फांसी दी जाएगी वगैरह वगैरह, ये सच है, लेकिन जब तक वह बीमार है उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक यह ठीक नहीं हो सकता तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लो, ताकि मैं आपको जब भी वीडियो देऊँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए सबसे पहले।